नरोरा हीरापुर गांव से 22 अगस्त की रात को लापता हुई 17 साल की मुस्कान का शव मिलने का मामला, 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार, परिजन ने कार्रवाई से संतोष। आज के परिजनों के द्वारा अपने समाज से लोगों को बुलाकर इस घटना में पुलिस के द्वारा क्या डेवलपमेंट हुआ है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक गया है और क्या चीजें उसके बारे में चर्चा। अमरपाटन में महावैक्सीनेशन अभियान 3 की शुरुआत होने के साथ ही लोगों में जागरूकता देखने को मिली। वैक्सीनेशन के लिए बड़ी तादाद में लोग आगे आए। महाअभियान वैक्सीनेशन पे जो चल रहा है अभी, उसमें अमरपाटन ब्लॉक में 70-80% तो लग चुका है अभी, और बहुत सारे सब सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन खत्म हो चुका है। मंदसौर के गरुड़ जनपद पंचायत में पदस्थ पंचायत समन्वयक अधिकारी ओम प्रकाश राठौर को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने 5,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। दिनेश कुमार मीणा ने की शिकायत पर कार्रवाई। राजाधिराज बाबा महाकाल के सेनापति काल भैरव प्रजा के हाल जानने निकले। टोल ग्यारस के मौके पर काल भैरव मंदिर में किया विशेष पूजन अर्चन। कोरोना की गाइडलाइंस का निर्वहन करते हुए आज टोल ग्यारस से बाबा काल भैरव की जो सवारी निकाली गई है वो गेट तक सांकेतिक रूप से निकाली गई है, उसको विधिवत पूजन अर्चन के बाद में हमारे द्वारा पार्किंग को खुला दिया गया है। आगे की जो परम्परा का ग्राम पंचायत मुराज में रिश्वत लेने का मामला, विधवा को अनुग्रह सहायता राशि का लाभ देने के एवज में रोजगार सहायक ने की रिश्वत की मांग। ग्राम पंचायत पर रिश्वत लेने का आरोप है, वीडियो भी सामने आया है, वीडियो की जांच करेंगे, उसकी सत्यता का परीक्षण करेंगे। यदि उसमें ग्राम रोजगार सहायक दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए करेंगे। अशोकनगर में भगवान हरि नारायण विष्णु ने किया जल विहार। हर साल कुहार माह की एकादशी पर भगवान को कराया जाता है जल विहार, बड़ी तादाद में जुटे भक्त जन। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शाजापुर के विवेकानंद स्कूल में कंप्यूटर प्रयोगशाला का किया शुभारंभ। यहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का भी अनावरण किया। सरकारी स्कूल ही मेहनत से अच्छे हो सकते हैं, तो शिक्षकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वही काम यहाँ के प्राचार्य सभी शिक्षक। बैतूल के मुल्ताई में दिखी मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर, कचरे के ढेर से भोजन ढूंढकर खाते देखा बुजुर्ग, समाज सेवी ने उसे खाना दिया और पैसे भी दिए। के पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी ने किसान महापंचायत में उन्नत कृषक और देश के जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चिन्ह, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मन्नत पूरी होने पर स्वयंभू गणेश मंदिर दर्शन करने पहुंचा हैदराबाद का दंपति। वीडियो कॉलिंग के जरिए मांगी थी संतान प्राप्ति की मन्नत। जो भी होगा बेटा या बेटी तो वो लड्डू से सुलवानी, इसलिए हम हैदराबाद से आए। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर शंकर मंदिर और शंकर घाट में साफ सफाई कर स्वच्छता पखवाड़े का किया शुभारंभ। 16 से 30 सितंबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान। सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को अपराध के मामलों में नंबर 1 बताया है।
कमल सिंह पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। ये लूट, हत्या, बलात्कार, बेटियों के साथ अनाचार की घटनाएं, अब तो बिहार से हम आगे बढ़ गए। मठपारा में सूने मकान में लाखों की चोरी को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर किया था हाथ साफ। 26 तोला जो है सोना मिला है और 16 तोला रुपए चांदी के जेवरात जुमला कीमती लगभग 13 लाख रुपए का बरामद किया गया और आरोपी का जेल में रहा। तरुण सिंद्रे जो है वो पहले भी 6 मामलों में जेल में रह चुका है चोरी के मामले में। नकदी इसमें 1,500-2,000 रुपए था जिसमें 1,000 रुपए रिकवर कर लिया गया। रायपुर में सेवा दिवस के रूप में बीजेपी ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। कांग्रेसियों ने किया विरोध, बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। रोजगार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ कि काफी ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया। ये इवेंट मैनेजमेंट में कोई कानून नहीं है, ये इवेंट मैनेजमेंट करेंगे, देश की सेवा नहीं करेंगे, जनता की सेवा नहीं करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर इनकम टैक्स के छापे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। सीएम भूपेश ने कहा कि सोनू सूद ने कोरोना काल में लोगों की मदद की। बदले की किसी स्तर पर जा सकते, सोनू सूद जब लोगों की सहायता कर रहे थे तब तो अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं आए। सूरजपुर में रेण नदी पुल के नीचे घंटों फंसा रहा मानसिक विक्षिप्त युवक, रेस्क्यू टीम ने युवक को सुरक्षित निकाला बाहर, अस्पताल में कराया भर्ती। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने शिक्षा के क्षेत्र में की नई पहल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में की व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत, हायर सेकेंडरी के साथ होगी आईटीआई की पढ़ाई। पढ़ाई के साथ बच्चे आईटीआई भी कर सकेंगे, इसकी शुरुआत हुई, 80 बच्चे उसमें एडमिशन लिए हैं। हाथियों को धान खिलाने के मामले में छत्तीसगढ़ में विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। विपक्ष का कहना है कि सरकार केवल मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के नए नए पैंतरे आजमाती है।